लेमन फिश। हम आ जाते हैं हमारी लेमन फिश की तरफ। सबसे पहले तो मछली की पहचान, ये आपको फिले दिखाते हैं। ये बोनलेस फिले है जो हम आज रेसिपी बना रहे हैं। ये अच्छी फ्रेश मछली है। इसकी शक्ल बता रही है, इसकी जो इसका जो कलर बता रहा है, ये जैसी सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाएगी, समझ लें बासी होना शुरू हो जाएगी। चलिए जी, एक पैन ले लिया और पैन में हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। मछली को दोनों फिले यहाँ पे आ गए, इसको मैं अपने हिसाब से काट लूँगा। ये आ गया, अच्छा बिल्कुल बगैर कांटे की मछली है और कांटे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके इस साइज़ के पीसेस काट लूँगा। अच्छा जी, मैंने इसमें एक ऑलिव ऑयल डाल दिया, साथ में मैं थोड़ा सा मक्खन डाल रहा हूँ और ये हल्का सा इसको एक डिफरेंट फ्लेवर देगा। ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना लें या सिर्फ कैनोलिव इस्तेमाल कर लें। ये हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट किया और बहुत सिंपल रेसिपी। इसके बाद ये सिंपली इसके ऊपर ये फिलेज आ गए, साथ में मैं गार्लिक डालना भूल गया था पहले, अभी से डाल देता हूँ। चले एक साइड पे जब तक गार्लिक पक रहा है। अब आ जाती है इसमें लेमन जूस, ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक, अदरक बारीक कटी हुई और हरी मिर्चें। बस ये इसकी टोटल रेसिपी है। लेमन फिश तैयार हो गई, सिंपल। और किसके साथ खाएं? बेस्ट इसका कॉम्बिनेशन है चावल के साथ, बेस्ट। अदरवाइज रोटी के साथ भी बेहतरीन खाई जा सकती है, लेकिन चावल के साथ इसका आइडियल कॉम्बिनेशन। सिंपल और कोई ज़्यादा कशीदाकारी नहीं की, कोई ज़्यादा फनकारी नहीं की, सिंपल। मछली का ताज़ा होना लाजम। इसकी क्वालिटी आपको उसी टाइम ही पता लगेगी जब आपकी मछली ताज़ा होगी, और अगर ताज़ा नहीं होगी तो फिर आप समझे कि सिंपल फिश ना बनाएगा। और खूब सारे मसाले वसाले डाल के वो काम ठीक रहेगा, अदरवाइज़ ये आपसे बन नहीं पाएगी, मतलब ये इसका टेस्ट नहीं आएगा। दिस इज़ इट, ये बेहतरीन आएगा इसके साथ। सो आई वुड नॉट ऐड मिंट। और ये मछली आ गई इधर, लेमन फिश, अज्जा फिश फिले आधा किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटा पुदीना 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च के स्लाइस 3 अदद, अदरक के स्लाइस 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए।